ठीक है ना, जड़त्व किसे कहते हैं, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। ध्यान से सुने मेरी बात फिर से, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने की असमर्थता व्यक्त करती है, तो वस्तुओं के इस गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। ठीक है, अब असमर्थता का मतलब क्या, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो अपनी अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती, और एक समान चाल से अगर चल रही है तो उसके चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी वस्तु का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन न करे, तो वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज और जानेंगे कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है, उन वस्तुओं का जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जड़त्व गुण जितना ही अधिक होता है किसी भी वस्तु का, तो इसका मतलब कि उसका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक। से समझिए, एक बेटा छोटा पंखा जो है, बड़ा ही पंखा ले लो, बड़ा पंखा ले लो और एक छोटा पंखा ले लो। ठीक है, एक पंखा का पत्ती जो है प्लास्टिक का बना लो, एक पत्ती जो है पंखे का भारी बना लो। आप भारी बना करके दोनों को एक ही स्पीड दो, क्या देखोगे, जो हल्का है ना तुरंत स्पीड में आ जाएगा, और जो भारी है ना वो धीरे धीरे जो है स्पीड लेगा। अच्छा, आज जैसे ही दोनों का स्विच एक साथ बंद करो तब क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो जो पहले तेजी से चला था यानी हल्का जो पंखा था प्लास्टिक वाला, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जबकि भारी वाला क्या होगा, अभी देर तक चलता रहेगा। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों देर तक चला, तो देर तक इसलिए चला क्योंकि उसके अंदर जड़त्व का गुण अधिक है। अब पूछे कि जड़त्व का गुण का मतलब क्या है, तो फिर समझिए बेटा, जब तुम साइकिल चलाते हो तो जैसे ही क्या पैडल चलाना बंद कर देते स्पीड में हो, आज जैसे ही पैडल को चलाना बंद कर दे तो क्या तुरंत रुक जाती है साइकिल, नहीं ना रुकती है, कुछ चल करके रुकती है। ठीक है, तो जो उसका गुण है वो चलने वाला है, लेकिन वो जो है अगर कोई रुकावट या सड़क का घर्षण न होता तो फिर रुका होता, उसी तरीके से चलता रहता, कोई परिवर्तन न हो पाता। ठीक है, उसी तरह से रहता है। दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि अगर एक कार को रोकना हो या एक ट्रेन को, तो किसको रोकना आसान है, तो कार को। तो पूछे क्यों, आता इसलिए क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है, और ट्रेन कैसी है, तो ट्रेन तो बहुत भारी है, बहुत उसका जड़त्व गुण अधिक है, इसलिए जब ट्रेनें चला करती हैं ना, तो जब अगला स्टेशन आने को होता है ना, 2-3 किलोमीटर पहले ही जो है ना ड्राइवर क्या करता है, उसके इंजन को बंद कर देता है, फिर भी जो है वह ट्रेन क्या होती है, वो चलते चलते आकर के स्टेशन पर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। अगर कार में अगर इस तरह से एक साथ दोनों का चाल, अगर 100 किलो प्रति घंटा चाल जो है ट्रेन का भी है और किसी कार का भी हम 100 किलो प्रति घंटा का चाल ले लें और उसके लिए समतल हम स्थान दे दें और दोनों का इंजन एक साथ बंद कर दें, तो ध्यान रखिए कार जो है कुछ दूरी पर आकर के रुक जाएगी, लेकिन जो हमारी ट्रेन होगी वो बहुत दूर तक चलती रहेगी। ठीक है, तो बस सिर्फ मतलब ये है कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो जड़त्व क्या है, तो किन्हीं वस्तुओं का वह गुण है जो स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, तो वस्तुओं के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। जिन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का, दो प्रकार। तो पूछे कैसा कैसा होगा, तो एक होता है बेटा विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। ठीक है, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अब आपको हम पूरी परिभाषा बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप जो है वीडियो रोक रोक करके मेरी बात को सुनिए, वैसे एक बार में ध्यान से सुनिए तो अभी याद हो जाएगा। एक होता है बेटा तुम्हारा जड़त्व, गति जड़त्व। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, अब पूछिए कि विराम जड़त्व क्या है, तो ध्यान दीजिए विराम जड़त्व वो होता है जो कोई वस्तु के ऊपर, ठीक है ना, ये जड़त्व है।
विराम जड़त्व क्या होता है समझिए। विराम जड़त्व का मतलब ये होता है कि वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसको हम कहते हैं विराम जड़त्व। यानी विराम जड़त्व वह जड़त्व है जो गतिशील नहीं है, यानी वस्तु क्या है, रुकी हुई है। फिर वही बात आती है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तो इसी को हम कहते हैं विराम जड़त्व, ठीक है। अच्छा, फिर गति जड़त्व क्या है, तो उसी तरीके से यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान वेग से चल रही है, ठीक है ना, अगर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो वह वस्तु जो है एक समान चाल से वैसे ही क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि जड़त्व के इस मान को तोड़ दिया जाए, तो तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, बाहर से बल लगाना चाहिए। जैसे ही किसी वस्तु के ऊपर बाहर से जब बल लगा दिया जाएगा तो अगर ये विराम की अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, गति में आ जाएगा, और यदि गति की अवस्था में है तब क्या होगा, तो वो जो है या तो रोक सकते हो या फिर उसकी गति को कम कर सकते हो या गति को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये जो है तब होगा जब हम इसके ऊपर बाहर से कोई बल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जड़त्व, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। वस्तुओं के इस गुण को हम जड़त्व गुण कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व। विराम जड़त्व वह होता है जब वस्तु जो है स्थिर अवस्था में रहती है और उसके अंदर कोई गति नहीं रहता है, तो इस प्रकार की वस्तु को हम जो है विराम जड़त्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गति जड़त्व, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है तो उस वस्तु के ऊपर अगर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जड़त्व क्या है, विराम जड़त्व क्या है और गति जड़त्व क्या है, ये आपने जान लिया।